हेलो गाइस, फाइनली आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुजावा लॉन्चर के अंदर रिप्ले मोड को कैसे ऐड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि काफी इजीली काफी सिंपली आपको समझ में भी आएगा और आप इसको इंस्टॉल कर भी लोगे, क्योंकि जावा वर्जन में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। बाकी अगर आप पुजावा लॉन्चर प्लेयर हो तो उसके लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके लेकिन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फोन के स्क्रीन पे आ जाना है, फोन ऑन करना और आपको डिस्क्रिप्शन में तीन लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप अपने फोन में ओपन कर लेना। पहला जो लिंक है वो फैब्रिक एपीआई का है, वो कुछ ऐसे ओपन होगा। आपको सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट को टिक कर देना। ये जो डेस्कटॉप साइट है ना, इसको टिक कर दोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। उसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करके फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा फैब्रिक एपीआई का। तो आपको पुजावा लॉन्चर में जो लेटेस्ट वर्जन आप फैब्रिक रिप्ले मोड का यूज कर सकते हो वो अभी के लिए 1.21.1 है, 1.21.4 वगैरह में अभी रिप्ले मोड आप पुजावा लॉन्चर में यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको जो भी फाइल डाउनलोड करना है अभी अगर आप कर रहे हो तो आपको 1.21.1 करना है। और ये वर्जन आप कैसे चेक कर पाओगे कि अभी लेटेस्ट टाइम पे कौन सा वर्जन आप पुजावा में यूज कर सकते हो, वो मैं वीडियो के आगे चल के बताऊंगा, डोंट वरी वीडियो में बने रहो। तो हमें 1.21.1 का फाइल हर एक तीनों का डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले फैब्रिक एपीआई में देखो 1.21.1 किस में लिखा है, तो सिंपली ये वाला जो फाइल है ना, इसमें देखो फैब्रिक एपीआई भी लिखा है और लास्ट में 1.21.1 भी लिखा है। और इधर में भी देखो गेम वर्जन लिखा है 1.21.1 जो कि फैब्रिक का है। तो हम इसके इधर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा फाइल थोड़ा 5 सेकंड वेट करना, डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा या फिर ऑटोमेटिक डाउनलोड है तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। तो ये हमारा 5 मिनट हुआ और ये देखो ऊपर में डाउनलोडिंग स्टार्ट डाउनलोड होने लगा। इसके बाद आपको सेकंड लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको रिप्ले मोड का डाउनलोड करने को बोलेगा, तो इसमें भी आपको 1.21.1 डाउनलोड करना है, क्योंकि लेटेस्ट वाला ये देखो माइंड का 1.21.1 प्लस 1.21 लिखा हुआ है जो कि फैब्रिक का है। तो सिंपली इसको भी आप डेस्कटॉप साइड कर लेना, पहले डेस्कटॉप साइड करने के बाद ऐसे ऑप्शन दिखेगा, आपको पहले वाले का ही डाउनलोड पे क्लिक करना, यहाँ पे ये भी डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ा वेट करना, ऊपर में इसका भी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, ये भी डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको थर्ड लिंक पे जाना, कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पे देखोगे ना थोड़ा नीचे करके 1.20 इंस्टॉलिंग एफएम पैक लिखा है, तो इसमें यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे क्लिक कर देना तो ये भी आपका डाउनलोड होने लगेगा, बस इस लिंक को क्लिक कर देना। ठीक, तो देखो ऊपर में हमारा एफएम पैक और ये दोनों भी डाउनलोड हो गया, तो इस सबको डाउनलोड कर लेना। तो फटाफट मैं इसको डाउनलोड कंप्लीट करता हूँ और जब तीनों डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है डाउनलोड के बाद बताता हूँ, लेट्स गो। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, जब तक ये डाउनलोड हो रहा तब तक हम आगे का प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, तो ये डाउनलोड जब तक हो रहा तब तक आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है और प्ले स्टोर में अगर आपको पुजावा लॉन्चर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो उसके लिए मैं बता दूं, आपको सर्च में जाना है और यहाँ पे आप प्ले स्टोर के अंदर पुजावा लॉन्चर लिखोगे तो प्ले स्टोर में ऑफिशियली पुजावा लॉन्चर आ चुका है, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना क्योंकि इसी के थ्रू हम रिप्ले मोड को यूज करेंगे, एकदम जावा वाला फील आपको पॉकेट मतलब मोबाइल में मिलने वाला है। ओके, तो इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है जेट अचीवर। जेट अचीवर लिख के सर्च करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, तो इसमें जो ये ग्रीन वाला है इसको आप क्लिक करना और इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो मेरा जेट अचीवर और पुजावा लॉन्चर दोनों पहले से इंस्टॉल है, तो आप भी फटाफट इसको इंस्टॉल कर लो और जब ये इंस्टॉल हो जाए और ऊपर का दोनों डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस क्या है चलिए देखते हैं डाउनलोड के बाद। तो देखो यहाँ पे मेरा ये तीनों फाइल डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है और जहां पे भी आपने डाउनलोड किया है उसको ओपन कर लेना। तो हमारा यहाँ पे देखो ये तीनों फाइल यहाँ पे डाउनलोड है, तीनों को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करके थ्री डॉट में जाना, मूव करना और इसको एक अलग फोल्डर बना के उसमें इसको पेस्ट कर देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिप्ले मोड का एक फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे देखो रिप्ले मोड का फोल्डर है, इसको मैंने बनाया, इसके अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मूव टू हेयर कर दूंगा और उस फोल्डर में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आप भी इन तीनों फाइल को एक अलग फोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर देना। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली पहले तो आपको अपने पुजावा लॉन्चर को ऑन करना है, तो ये हमारा पुजावा लॉन्चर है, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन आपको दिखेगा, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ऐड करना होगा, तो यहाँ पे ऐड अकाउंट है, इस पे क्लिक करना,
माइक्रोसॉफ्ट का भी कर सकते हो, लोकर भी कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा लोकर अकाउंट पे क्लिक करना और यहाँ पे जो मन में वो नाम लिखते हो, तो मैं लिख देता हूँ संजीत वाईटी लिख के मैं लॉग इन पे क्लिक कर दूंगा। तो हमारा ऊपर में देखो यहाँ पे प्रोफाइल संजीत वाईटी दिख रहा, प्रोफाइल बन गया। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, वीडियो रेंडर पे क्लिक करना। ये रेंडर जो है ना, ये अगर आपका होली GL4ES ये सिलेक्ट है तब तो बढ़िया है, ये सिलेक्ट नहीं है तो आप इस पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना। बस आपको इधर में और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जो है वैसे ही रहने देना। उसके बाद आपको यार डिफॉल्ट देखो 1. ये है, तो आपको इस एरो पे या फिर इसी डिफॉल्ट पे क्लिक करना और क्रिएट न्यू प्रोफाइल में जाना। यहाँ पे अब देखो हमने फैब्रिक का, जो कि जावा में फैब्रिक अलग से इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करके, वो हमने डाउनलोड नहीं किया क्योंकि वो हम डायरेक्ट यहीं से इंस्टॉल करेंगे। तो आपको क्रिएट फैब्रिक प्रोफाइल है ना, इस पे क्लिक करना है और इसमें हमने हर एक फाइल कौन सा वर्जन में सिलेक्ट किया है, जो कि 1.21.1 का हर एक फाइल डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे अगर आप पुजावा लॉन्चर में फैब्रिक देखोगे ना, तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.21.1 है, इसीलिए हमने हर एक फाइल 1.21.1 में ही किया, 1.21.4 का फाइल डाउनलोड नहीं किया क्योंकि उसका फैब्रिक का लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे नहीं शो कर रहा। तो हम यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन शो करे उसी वर्जन का हर एक फाइल को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे 1.21.1 है तो वही हमने डाउनलोड किया है। फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ये जो ऑप्शन आएगा बस इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। ये थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसको बैक करना। बैक करोगे तो यहाँ पे जाना और यहाँ पे देखना फैब्रिक लोडर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ थ्री एक पेंसिल का ऑप्शन है ये वाला, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो रेंडर डिफॉल्ट है, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे होली GL4 जो हमने वहां पे सिलेक्ट किया था उसी को यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अब इतना करने के बाद आप एक बार इसको प्ले भी कर सकते हो, और आई थिंक प्ले नहीं भी करोगे तो चलेगा, तो आई थिंक प्ले मत करो, प्ले नहीं करना है। तो अब आपको फिर से जेट अर्चीपर जो हमने डाउनलोड किया है, इस वाले जेट अर्चीपर को ऑन करना है। और इसको ऑन करोगे ना तो कुछ ऐसा आपका फेस दिखेगा, हो सकता है आपका कुछ और बैक दिखे, कुछ ऐसा भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। ठीक नहीं, जब आप पहली बार कुछ भी फायर करके पहली बार जब ओपन करोगे तो यही वाला पेज ओपन हो रहा। तो इस पेज में जाने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले तो ये जो रिप्ले मोड का हमने फोल्डर बनाया था उसको यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ पे आपको ये फैब्रिक API FMPEG और रिप्ले मोड दिख जाएगा। तो FMPEG हम जब पुजावा लॉन्चर को आप एडिट करके एक्सपोर्ट कैसे करना उस वाले में हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसका यूजेज मैं बताऊंगा। अभी आपको फैब्रिक API को और रिप्ले मोड को सिलेक्ट करना है, या फिर आप ये जो FMPEG है ना इसको भी यहाँ पे क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट हियर लिख देना और इसको एक एक्सट्रैक्ट कर देना यहीं पे। ठीक, मैं इसका भी काम करा देता हूँ, बाकी का थोड़ा प्रोसेस है वो पार्ट टू, जब टारगेट आप लोग पूरा करोगे तब करूंगा, टारगेट क्या है वो वीडियो के आगे बताऊंगा। ठीक, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, उसका फोल्डर बन गया। उसके बाद हम इस FMPEG के जीप फाइल को डिलीट करना है, तो डिलीट कर दो, कोई काम नहीं है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करो, मल्टीपल सिलेक्ट पे क्लिक करो और इन तीनों को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ये जो टिक ऑप्शन है टिक कर दो, और टिक करने के बाद आपको इन तीनों को ऐसे टच करना। टच करने के बाद आपको कॉपी या कट कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा कॉपी करो। कॉपी करके आपको यहाँ पे बैक जाना है, बैक जाके आपको एंड्रॉइड का जो ये फाइल है ना इस पे क्लिक करना। इसके बाद डाटा का फाइल होगा उस पे क्लिक करना और एकदम नीचे जाओगे तो आपको पुजावा लॉन्चर का ये देखो ये फोल्डर दिखेगा। ठीक, इसके अंदर जाना। अभी यहाँ पे जाने के बाद आपको फाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे डॉट माइनक्राफ्ट का फोल्डर नहीं है, तो उसके लिए आपको थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपको फाइल लिस्ट है इसके अंदर जाना, यहाँ पे शो हाइडन फाइल जाए इसको टिक कर देना। टिक करके आप बैक जाओगे और बैक जाओगे तो यहाँ पे देखो डॉट माइनक्राफ्ट का एक फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर जाना। और यहाँ पे अगर आपका मॉड्स का फोल्डर है क्योंकि आपने फैब्रिक वाला इंस्टॉल किया है तो वो ऑलरेडी होगा, तो उसको आप सिलेक्ट करना, मतलब उसके अंदर जाना और इसके अंदर जाके यहाँ पे पेज पे क्लिक करोगे तो ये तीनों फाइल जो हमने डाउनलोड किया था वहां से, मतलब कॉपी किया था, उसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हमारा रिप्ले मोड का यहाँ काम हो चुका है। अब इसको सिंपली ऐसे कट करो और पुजावा लॉन्चर के अंदर जाओ, फिर अगर आपने जो फैब्रिक इंस्टॉल किया था इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करके आप प्ले पे क्लिक कर दो। अब जो हमारा प्ले होगा गेम, उसके अंदर हमारा जो रिप्ले मोड है वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। रिप्ले मोड काम करेगा, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। बट उस रिप्ले मोड को आप यूज कैसे करोगे, मतलब कि रिकॉर्ड तो कर लोगे बट रिकॉर्ड करने के बाद आप पॉकेट से ही पुजावा में ही एडिट कैसे करोगे, और बाय चांस एडिट भी कर लिए तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, वो थोड़ा लेंदी काम है। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे 1K लाइक करवाना होगा। अगर 1K लाइक होगा तो ही मैं इसका पार्ट टू, जिसमें मैं पुजावा लॉन्चर में आप एडिट करके एक्सपोर्ट कैसे करवाओ वो बताऊंगा। अगर 1K लाइक नहीं होता है तो मैं सोचूंगा, मन हुआ तो बनाऊंगा, मन नहीं हुआ तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगा, बहुत लेंदी, मतलब बहुत लेंदी भी नहीं है बट थोड़ा लेंदी जरूर है। तो वो अगर आप चाहते हो तो आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना होगा,
इस वीडियो पे 1K लाइक करवाना होगा, ठीक, तो 1K लाइक करवा देना। और अब देखो हमारा यहाँ पे गेम ऑन हो चुका है। गेम ऑन होने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले तो मैं यहाँ पे माउस को हटा दूंगा, माउस ऑफ कर दूंगा, ठीक वाला रखूंगा। और यहाँ पे देखो हमारा रिप्ले मोड यहाँ पे दिख रहा है, रिप्ले मोड पे क्लिक करो। मैंने एक बार टेस्ट किया था तो यहाँ पे एक मेरा फाइल सेव भी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका सेटिंग है ना, हम यहाँ पे डीप मतलब जो सेटिंग है इसका, सेटिंग को हमें चेंज करना होगा। तो हम माउस वाले में जाएंगे और माउस को यहाँ पे देखो सेटिंग है, उस पर क्लिक करोगे और उस पर क्लिक करने के बाद एक मिनट क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखोगे ना तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग जो है, ये माउस ऑफ करता हूँ, ये वाला ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ये ऑन है, इसको आप ऑफ कर देना। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक, ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ करने के बाद डन कर देना। डन करने के बाद अब आप किसी भी SMP को या सिंगल प्लेयर को ज्वाइन करो। ये मेरा सिंगल प्लेयर है, मैं प्लेयर सिलेक्टेड वर्ल्ड पे क्लिक करूंगा। और अब हमारा ज्वाइन होने के बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्ड करके मैं थोड़ा दिखा देता हूँ बस, बट उसको एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और पार्ट 2 इस वीडियो पे 1K लाइक होगा तो ही हो पाएगा गाइस, तो आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो, ठीक। तो देखो हमारा यहाँ पे गेम ज्वाइन हो चुका है, अब हम गेम को इंजॉय कर सकते हैं, बूम बम कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम यहाँ पे जब बैक करेंगे, बैक मिनिमाइज के लिए बैक करेंगे, तो यहाँ नीचे में देखो स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद नीचे देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ऊपर में वहाँ पे रिकॉर्डिंग लाल में दिख भी रहा। अब आप जो भी करो रहे हो इधर में सब रिकॉर्ड हो रहा है। और रिकॉर्ड होने के बाद अब अगर आप इसको सेव करोगे और सेव करके एडिट करना चाहोगे तो वो सब एडिट हो पाएगा। बट वही काम है कि हमें एडिट तो कैसे करोगे और एक्सपोर्ट कैसे करोगे वो दिखाऊंगा। तो देखो मैं इसको बैक करता हूँ, यहाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ, सेव हो गया बैक, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करके अब मैं एग्जिट करूंगा, सेव टू क्विट गेम। और उसके बाद मैं देखो यहाँ पे ऊपर नाम आएगा, नाम को मैं कुछ भी यार डन कर देता हूँ, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं यहाँ वॉच पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारा अभी जो हमने रिकॉर्ड किया ये ऊपर वाला वो हमारा यहाँ पे दिख रहा है। डेट भी आप लोग देख लो 10/12/24 जो कि आज का ही डेट है। और इसको मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा तो अभी हमने जो रिकॉर्ड किया वही दिखेगा। यहाँ पे हम इसको बैक भी जा सकते हैं और इसको बैक करके यहाँ पे देख सकते हैं और इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। बट एडिट करने के लिए माउस का कर्सर लाना होगा, फिर अगर वो भी ला के एडिट वगैरह कर लिए तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे वो सब कुछ अगर आपको जानना तो प्लीज इस वीडियो पे 1K लाइक करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।